हाउस कंस्ट्रक्शन, कमर्शियल बिल्डिंग्स या जो भी नॉर्मल कंस्ट्रक्शन इंटीरियर वॉल्स के लिए जो 4 इंचज वॉल होती है, 9 इंचज वॉल होती हैं, उन दोनों में आप ये यूज़ कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शुभम, आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड। वेलकम टू डी आर्क बिल्ड एक्सपो, स्वागत है आपका। और आज मैं आपको लेकर आ गया हूं एक ऐसे कंपनी के स्टॉल पर जो कन्वेंशनल ईंटें थे उससे कुछ ये अलग बनाते हैं, और इन्हीं के बारे में देखने वाले हैं, सर से बात करने वाले हैं और किस तरह से आप इनसे डील कर सकते हैं, एवरीथिंग के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। सो हेलो सर, कैसे हो आप? हेलो एवरीवन, मेरा नाम हर्ष गुप्ता है और मैं महालक्ष्मी ब्रिक्स, मॉडर्न ब्रिक्स को रिप्रेजेंट करता हूँ। और हमारी जो कंपनी है 40 इयर्स ओल्ड है, और जितने भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं क्ले ओरिएंटेड बनाते हैं सर, चाहे वो ब्रिक्स हो, क्लैडिंग हो और रूफिंग, इंटीरियर, एक्सटीरियर, फ्लोरिंग, तो कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कस्टमाइज़ कराना चाहेंगे तो कस्टमाइज़ भी हो जाएगा। तो हमारे ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं, इसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जैसे कि हमारा नॉर्मल ब्रिक है, ये नॉर्मल ब्रिक के अगेंस्ट हम यूज़ कर सकते हैं हाउस कंस्ट्रक्शन, कमर्शियल बिल्डिंग्स या जो भी नॉर्मल कंस्ट्रक्शन इंटीरियर वॉल्स के लिए जो 4 इंचज वॉल होती है, 9 इंचज वॉल होती हैं, उन दोनों में आप ये यूज़ कर सकते हैं। इस ब्रिक का फ़ायदा क्या है, जिसे 12 इयर्स हो गए हमारे फर्म ने इसे जब निकाला था, प्रोड्यूस किया था, और इसमें हमारी कंपनी USP है, इसमें शोरा सीलन नहीं आएगा कभी भी। अच्छा। ये शोरा फ्री और सीलन फ्री ब्रिक है। अगर आप इस ब्रिक को यूज़ करते हैं तो कोई जो जैसे नूनी आ जाती है, एफ्लोरेसेंस कह देते हैं उसे, कहीं अलग डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स है उसकी, तो वो चीज़ आपको जैसे अपर लेयर ख़त्म होने लग जाती है, ये आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे इसमें। सेकंड, इसमें कोई बी क्लास, सी क्लास जैसे नॉर्मल ब्रिक में देखते हैं वो चीज़ नहीं मिलती, इसमें सिर्फ एक स्टैंडर्ड क्लास बनता है, सिर्फ एक क्लास, एक क्लास। इसमें कोई जैसे प्रॉब्लम्स आती हैं साइड पे कि मिक्स माल आ गया और ब्रिक ऐसी है वैसी है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसके जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है नॉर्मल ब्रिक से 3.5 गुना ज़्यादा है, और इसमें आप देखेंगे होल्स हैं जो आर पार दिख रहे हैं, ब्रिक ऐसे ले होगा जब कंस्ट्रक्शन में यूज़ होगा, और इसमें जो होल्स हैं आपको ये फिलअप नहीं करने हैं। जब मसाला, जो मेसन है जब मसाला डालता है इस पर, तो इसमें 5-10% जो मटेरियल इसके अंदर चले जाता है, और 80-90% जो ये हॉलो रहता है जो आपका इंसुलेशन का काम करेगी। इंसुलेशन आप इसमें देख सकते हैं कि जैसे 8 होल ब्रिक है, अगर बाहर 36 डिग्री टेम्परेचर है तो उसे वो कैसे कूल डाउन करती है, थर्मल इंसुलेशन कह देते हैं इसे। अच्छा। जिससे 5-6 डिग्रीज का फ़र्क पड़ता है और इलेक्ट्रिकल लोड कम रहता है आपके घर में। अच्छा। जिस जो एक ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट है, तो ये उस चीज़ में पूरा फिट होता है, सपोर्ट कर। तो इसमें ही में ही हम काफ़ी रेंजेस बनाते हैं। अच्छा। ये तो प्लास्टरिंग पर्पज़ के लिए हुआ, अगर इसे आप फेसिंग पर्पज़ में देखना चाहते हैं तो फेसिंग में कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये हमने एक सिंगल ब्रिक के पैनल्स बनाए हुए हैं डिफरेंट कि आप उसमें देख सकते हैं कि कितने टाइप्स के ब्रिक्स हैं हमारे पास और वो कैसे दिखेगा जब आपका वॉल कंस्ट्रक्ट होता है। तो इसी में कुछ फ्लोरिंग के लिए भी हमारे पास ऑप्शंस, इसमें आप 45-50 टन्स का वेट पुट ऑन कर सकते हो, और रॉ का रॉ, कोई प्लास्टरिंग, कोई पेंट कॉस्ट आपको बेयर नहीं करनी पड़ेगी इसमें। ये एक आजकल वापस आया है ट्रेंड, ये इंडिया में लोग पहले इसे होटल्स या कैफ़ेज़ में यूज़ करते थे, बट आजकल पूरे के पूरे घर कि मेरे को प्लास्टर कराने की ज़रूरत नहीं, कोई पेंट कराने की ज़रूरत नहीं, मेंटेनेंस फ्री हाउसेस बना रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे ये है, प्लास्टर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिनिशिंग की जो बाहर की वो भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, ये आपकी चॉइस है। इफ़ यू वॉन्ट टू गो फॉर प्लास्टरिंग यू कैन डू दिस, इस पर आप प्लास्टर कर सकते हैं। अगर आपने प्लास्टरिंग नहीं करना तो ऐसे आप रॉ रखना चाहते हैं, आप ऐसे रॉ रखिए, कोई इशू नहीं है उसमें। इसमें हमने एक डिफरेंट जैसे ये वाइट सीमेंट में मैंने बनाया है, ठीक है, ये थोड़ा येलो सीमेंट में मैंने बनाया है, ठीक है, ये हमने थोड़ा ब्रिक को, ब्रिक कैसा दिखता है, एक सिंगल ब्रिक आपको नहीं समझ में आएगा, जब वॉल पे लगता है और वॉल आपकी कैसे दिखेगी और आप उस चीज़ को कनेक्ट कर सकें ब्रिक के साथ, तो ये चीज़ हमने प्रेजेंट करी है। जैसे यहाँ पर अगर साइजेज़ की बात करें, किस किस साइजेज में आते हैं सर? सर जो नॉर्मल साइज़ होता है ब्रिक का 9.75-3 इंच, तो वो तो हमारे पास अवेलेबल रहता ही है, बट अगर आप कस्टमाइज़ कराना चाहें तो आप कस्टमाइज़ भी करवा सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये 1 फुट लंबी ब्रिक है, ठीक है, और इसी में ही ये 9x3, 9x2.5, ठीक है, और ये 9x1.5, मतलब एक काफ़ी साइज़ हम बनाते हैं अकॉर्डिंग टू कस्टमर रिक्वायरमेंट। जैसे ये कस्टमाइजेबल होता है कि अगर जैसे बल्क में रिक्वायरमेंट है तो वो अगर कस्टमाइजेबल होगा कुछ तो आप कर सकते हैं?
हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम कोई भी साइज़, कोई भी शेड हम आपको मैन्युफैक्चर करके दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। यहाँ पर सर मैंने कुछ देखा है कि एक राउंड शेप में भी आप बना रहे हो। सर जैसे मैंने आपको बताया, हम लास्ट 2 ईयर से एक्सपोर्ट में भी हैं, तो स्पेशल शेप्स हैं ये। इसे हम प्लेन स्ट्रेचर कह देते हैं, इसे हम राउंड कोपिंग कह देते हैं। ये मशीन मेड लुक में आ गया। ये ब्रिटिश हाउसेस ऐसे बनते हैं बाहर। अच्छा। तो ये ब्रिटिश लुक के लिए, तो ये हमारा एक्सपोर्ट मटेरियल है। इसमें आप अगर इंडिया में अगर देखेंगे, अगर बाउंड्री वॉल्स जो होती हैं, ठीक है, किले की, तो उसमें यूज़ होते हैं। आजकल सीमेंटेड चीज़ ये रोड साइड में अगर देखें यूज़ होती हैं, राउंड कोपिंग्स ये वाली ऐसी चीज़ें यूज़ होती हैं। तो ये आजकल लोग घरों में यूज़ करते हैं बाहरले मुल्कों में, कि एक ब्रिटिश हाउस कैसे बनता है, तो वहाँ पे ये मटेरियल काम आता है। एंटीक हाउसेस, बाहर प्लास्टरिंग नहीं होता सर, ब्रिक पे प्लास्टर नहीं करते वो, कोई पेंट का उनका खर्चा नहीं, तो वहाँ पे एक्सपोज हाउसेस ही बनते हैं, जो एक्सपोज ब्रिक हाउसेस। सर ये आप क्ले से ही बनाते हो, और नॉर्मल ब्रिक्स भी आते हैं वो क्ले से होता है, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग में और इसके प्रोसेसिंग में क्या डिफरेंस है? सर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग में कुछ इतना खास डिफरेंस नहीं है। जैसे मैंने बताया कि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं क्ले ओरिएंटेड है। आजकल जो पुराने ज़माने में क्ले पे जो लेबर मेहनत करती थी, वो मेहनत आजकल मॉडर्न लेबर नहीं करती। तो वी हैव अ मशीन्स, ठीक है, क्ले सिलेक्शन हमारी स्ट्रॉन्ग है, हर एक पार्ट पे टेस्टिंग लेवल्स हैं, ठीक है, जिसमें क्ले चेक किया जाता है, उसमें सिल्ट कंटेंट कितना है, कैल्शियम कार्बोनेट कितना है, ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, मतलब प्रॉपर इंजीनियरिंग करके आप। हाँ जी, जो क्ले सिलेक्शन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है हमारी, ठीक है, तो उस रिलेटेड ही हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जैसे आप देखते हैं मिट्टी के घड़े बनते हैं, ठीक है, और उसमें अगर आप उसे थोड़ा उसे साउंड उसकी अगर देखेंगे तो टन टन मेटालिक साउंड आती है, तो वो भी एक मिट्टी को वॉश आउट करते हैं ताकि उसमें जितनी इम्प्योरिटीज़ हैं वो ख़त्म कर सकें, तो उसी चीज़ को हम नेचुरली ख़त्म करते हैं। अच्छा। फिर उसके बाद उसे हम मशीन्स में लेते हैं प्रोसेसिंग। तो सर यहाँ पर आपने काफ़ी कंपनियों का आपने यहाँ पर लगा रखा है। ये हमारे चैनल पार्टनर्स हैं जिनके साथ हमें इन्होंने हमें काम प्रोवाइड किया, ठीक है, और हमने इनके प्रोजेक्ट्स पूरे करने में इनके जितना हमसे हुआ तो हमने वो चीज़ें अपनी प्रोवाइड करी इन्हें, और हमारा प्रोडक्ट इनके कुछ साइट्स पे जाता है और वहाँ पे डिस्प्ले हो रखा है। अगर जैसे आप कहें इंडियन हैबिटेट सेंटर, जो सबसे पुराना है लोधी रोड दिल्ली में, वहाँ पे एक स्पेशल साइज़ का टाइल लगा है, 1 फुट लंबा, 4 इंचेस फेस में और 2 इंचेस थिकनेस में, तो वहाँ पे आप वो ब्रिक देख सकते हैं, आज भी लगा हुआ है और रेड कलर में है, उसमें कोई शोरा और सीलन नहीं है। अच्छा। तो मैंने आपको सबसे पुरानी साइट बता दिया दिल्ली में। और सर जैसे लोगों का काफ़ी ध्यान होता है बजट के ऊपर, बजट कैसा रहने वाला है, किस तरह के इसके प्राइस? सर जो हाउस कंस्ट्रक्शन वाली ब्रिक है उसे हम एक्स फैक्ट्री 10 रुपीज़ दे रहे हैं, और जो मैं समझता हूँ पर्सनली, जो हाउस कंस्ट्रक्शन का जो बजट होता है, ब्रिक एक बहुत ही स्मॉल चीज़ है, बहुत छोटा पार्ट प्ले करती है, बट इसका जो इफ़ेक्ट है, जो इस चीज़ का इफ़ेक्ट है ब्रिक का, वो कैसे है, सपोज़ आप एक ब्रिक लेने जाते हैं, जो लड़ाई है आज के मार्केट में 6 रुपये 7 रुपये 8 रुपये, बट ब्रिक के अंदर क्या है वो कोई नहीं चेक करता। अगर मेरे को फर्नीचर 10 लाख का नहीं 15 लाख का पसंद आ गया, तो मैं वो उस पर 1 मिनट में ले लेता हूँ, जो जिसे मैं कभी भी रिप्लेस कर सकता हूँ, टॉयलेटरीज कभी भी मैं चेंज कर सकता हूँ, पर ब्रिक, सरिया, सीमेंट हम कभी नहीं चेंज कर सकते, परमानेंट हो जाता है। तो इसका जो प्राइस है थोड़ा सा ज़्यादा है, बट जब आपको प्रॉब्लम आता है घर में नॉर्मल ब्रिक यूज़ करके, शोरे की सीलन की, हम थोड़े थोड़े पार्ट में पैसे देते हैं, बट तो हमें एहसास नहीं होता उसके ट्रीटमेंट के लिए। इसमें मैंने पैसे एक बारी में मांग लिए आपसे, बट शोरा सीलन की हमारी गारंटी रहती है कि हाँ एक बारी मेरा ब्रिक लगा तो मेरे को पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। और सर जैसे ये आप चंडीगढ़ में मैन्युफैक्चर करते हैं, सप्लाई कैसे करते हैं, अगर ऑल इंडिया कहीं से आपके पास ऑर्डर आते हैं तो? सर ओवरऑल पैन इंडिया से जैसे कहीं से भी हमें ऑर्डर प्लेस होता है, तो सबसे पहले चीज़ ध्यान रखी जाती है कि उनके पेन रिक्वायरमेंट क्या है, क्या चीज़ चाहते हैं, ठीक है, और क्या क्वांटिटी है, बिकॉज हम मैन्युफैक्चरर्स हैं। अगर हैंडसम क्वांटिटी होती है तो क्वांटिटी वाइज रेट दिया जाता है, ठीक है, तो उसमें जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कस्टमर को बेयर करना पड़ता है, और इसमें जो टैक्सीज हैं वो एक्स्ट्रा रहते हैं। हाँ जी, सो कहीं से भी आप हमें ऑर्डर कर सकते हैं, बल्क में ऑर्डर होगा हम कर देंगे आप। हाँ जी सर, हमारा जो है नेटवर्क डायरेक्टली हम डील करते हैं, बिकॉज अगर मैं कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ तो कंप्लेंट सुनने भी मैं ही जाऊँगा, कोई कंपनी का मेरा एम्प्लॉय नहीं जाएगा।
बिकॉज वो प्रोडक्ट मैंने सेल किया है। आजकल आप देखेंगे कंपनीज में क्या होता है, बेच कोई और रहा है और सर्विस देने कोई और जा रहा है, बट कस्टमर कहता है कि यार उसने तो मेरे को ये बात कही थी, तो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है। तो हमारी जो 40 इयर्स की जो हम रेपुटेशन कैरी कर रहे हैं इसी बेसिस पे कैरी कर रहे हैं। हाँ जी, जो 40 इयर्स की रेपुटेशन हम कैरी कर रहे हैं, वी आर थर्ड जनरेशन, और ये इसलिए कैरी कर रहे हैं कि जो हमारी आफ्टर सेल सर्विस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, वो आपको हमसे प्रोडक्ट लेके ही पता लगेगा, उसके बाद ही पता लगेगा कि कैसी सर्विस है। तो सर, अगर कोई आपके इन प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड है, कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? सर, अगर हमें कांटेक्ट करना है, वी आर चंडीगढ़ बेस्ड फर्म, चंडीगढ़ में एरिया पड़ता है पंचकुला बरवाला, वहाँ पे हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है महालक्ष्मी ब्रिक्स, मॉडर्न ब्रिक्स के नाम से। और उधर अगर आप मेरे को कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 9914013456। कार्ड शो कर सकते हैं? मैं कार्ड भी आपको शो कर देता हूँ। सो ज़्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और भी डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड सर, एट लास्ट में आप अपने कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे? सर, मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे जो अपना प्रोडक्ट सेल नहीं करने आया हूँ, मैं जस्ट लोगों को अवेयर करने आया हूँ, जो हमारी कंपनी का जो मोटो है कि इस टाइप के भी प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में। ठीक है, और अगर आप एक घर बना रहे हैं और अगर आप वहाँ पे आपकी 50,000 ब्रिक्स जनरली या 1,00,000 ब्रिक्स यूज़ होती हैं, तो हमें 5,000 ब्रिक्स का चांस दीजिए। ठीक है, और उसमें आप प्रैक्टिकली देखिए कि जितनी हमने बातें कही हैं हम उस पर हमारी कंपनी स्टैंड होती है कि नहीं होती है। पहले इस्तेमाल करके फिर विश्वास। हाँ जी, आप वैसे कह सकते हैं। चलिए सर, थैंक यू सर बात करने के लिए, धन्यवाद। थैंक यू।